नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड 366 क्रिकेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल्स खेला जा रहा है। रोहित शर्मा कटघरे में किया दोस्तों, पहले टेस्ट में असफल रहे कप्तान रोहित, टीम का चयन को लेकर और फील्ड सेटिंग में सब कुछ रहे फ्लॉप। दोस्तों, रोहित शर्मा के इस गलत फैसले से हो सकते हैं टीम में बड़े बदलाव, कैप्टनशिप के पद से भी उतारे जा सकते हैं रोहित शर्मा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में रोहित शर्मा पहली बार भारत के बाहर किसी टेस्ट मैच की में कप्तानी कर रहे हैं। इस मैच में अब तक सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन रोहित की कप्तानी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन में ही बढ़त ले ली है और भारत पर हार का खतरा मंडरा रहा है। इसका जिम्मेदार दोस्तों और कोई नहीं बल्कि रोहित शर्मा को ही माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रन बनाए और इसके जवाब में टीम इंडिया ने 151 रन पर 5 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही है। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 318 रन पीछे चल रही है दोस्तों। अब टीम इंडिया को दोस्तों अजिंक्य रहाणे और शिखर भरत से बड़ी पारी की उम्मीद थी, जिसमें शिखर भरत भी खड़े उतर नहीं पाए। इस मैच में दोस्तों रोहित के ऐसे हम आपको 4 गलतियां बताएंगे, जिसके कारण आज ये दयनीय परिस्थिति को भारत का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, इस मैच में भारतीय टीम पहले दिन से ही पिछड़ गई थी, जब ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 327 रन का बड़ा लक्ष्य बना लिया था। इसके बाद भी दोस्तों कंगारू की टीम 469 रन बनाने में सफल रही। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा दोस्तों इस मैच में पहली बार भारत से बाहर किसी टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं और 2 दिन में ही उनकी कप्तानी पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। रोहित ने इस मैच में कई गलतियां की हैं, जिससे क्रिकेट जगत के दिग्गज खिलाड़ी भी खासा नाराज चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं वो प्रमुख कारण जिसके वजह से आज टीम इंडिया का परिस्थिति दयनीय है। ओवल टेस्ट सीरीज में टीम चयन में हो रही है चूक। इस मैच में दोस्तों रोहित शर्मा ने रविचंद्रन अश्विन को टीम में जगह नहीं दी और उनका यह फैसला भारतीय टीम पर भारी पड़ गया। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के खिलाफ अश्विन का रिकॉर्ड बेहद ही शानदार है दोस्तों। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज भी हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बाएं हाथ के 5 बल्लेबाज हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ अश्विन का रिकॉर्ड और भी शानदार है। इसके बावजूद भी उनको टीम इंडिया में खेलने का मौका नहीं मिला। रोहित शर्मा की इस बड़ी गलती ने आज इस परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि 469 रन बनाने में सफल रही ऑस्ट्रेलिया की टीम। इसमें बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने कुल 259 रन का योगदान दिया है। स्टीव स्मिथ ने भी 121 रन बनाए हैं, जो अश्विन के बहुत ही पसंदीदा शिकार हैं। फील्ड सेटिंग में दोस्तों दिख रही है कमी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने फील्ड सेटिंग में भी बहुत बड़ी चूक की। भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में अच्छी शुरुआत और पकड़ बना ली थी। जी हाँ दोस्तों, 76 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरा दिए थे। इसके बाद स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने 285 रन की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया था। सौरव गांगुली ने भी इस दौरान रोहित को फील्ड सेटिंग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि रोहित ने फील्ड नहीं सेट की थी, इस वजह से ट्रेविस हेड को आसानी से रन मिलते रहे और उन्हें स्मिथ के साथ 285 रन की साझेदारी कर ली। गेंदबाजी में भी बदलाव करने में नाकामयाब रहे रोहित। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा अपने गेंदबाजों से लंबे लंबे स्पेल कराए, इससे गेंदबाज बहुत ज्यादा ही थक गए, क्योंकि आईपीएल में 2 महीने खेलने के बाद सभी खिलाड़ी पहले से ही काफी थक चुके हैं। इसका असर दोस्तों ये हुआ कि भारतीय गेंदबाजों में वह धार दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आसानी से उन्हें खेलते रहे। रोहित चाहते तो एक छोर में जडेजा से गेंदबाजी करा सकते थे और दूसरे छोर से तेज गेंदबाजों को तरोताजा रखते हुए अटैक कर सकते थे, लेकिन रोहित ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बड़ा स्कोर बनाने में सक्षम रहे। वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने छोटे छोटे स्पेल में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, इससे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की ऊर्जा बनी रही और वह नियमित अंतराल पर विकेट लेते रहे। दोस्तों, अगर हम रोहित शर्मा के प्रदर्शन की बात करें तो साल 2018 से भारतीय टीम ने रोहित की कप्तानी में भारत से बाहर 39 मैच खेले हैं, जिसमें वनडे और T20 शामिल है। भारत ने 39 मैच में से 26 मैच में जीत हासिल की है और 13 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। रोहित ने अभी तक भारत में ही टेस्ट मैच में कप्तानी की है और सफल भी साबित हुए हैं। भारत में रोहित के नेतृत्व में टीम ने 6 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 4 मैच जीते हैं और 1-1 मैच में हार और ड्रॉ का सामना किया है। रोहित शर्मा ने अब तक कुल 83 मैच में भारतीय टीम की कप्तानी करी है। इनसे 62 मैच
मैच में भारत को जीत मिली है तो वहीं 20 मैच में हार का सामना करना पड़ा है, एक मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों रोहित शर्मा के इन्हीं गलतियों के कारण आज भारत के टीम के ऊपर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स के फाइनल में खतरे की घंटी बज रही है। आशा करते हैं दोस्तों भारतीय टीम का सफर मंगलमय हो। दोस्तों आपको रोहित शर्मा के इन गलतियों में क्या कहना है हमें लिख के बताएं और इस वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाएं। ऐसे बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।